वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़ा भैया के विवेकानंद फ्लाईओवर के ठीक नीचे। पहले और दूसरे चरण के सफलतापूर्वक विवेकानंद फ्लाईओवर का तोड़ने का काम पूरा होने के बाद अब तीसरे चरण का काम चालू होने जा रहा है। सोमवार की सुबह से ही विवेकानंद फ्लाईओवर के तीसरे चरण का काम तोड़ने के लिए मालापारा क्रॉसिंग से लेकर गणेश टाकिस क्रॉसिंग के बीच केके ट्रैगो स्ट्रीट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस हिस्से में पड़ने वाले विवेकानंद फ्लाईओवर के ऊपरी हिस्से को तोड़ने का काम चालू होगा। पुलिस सूत्रों की माने तो आगामी 2 महीने तक ये काम चालू रहेगा और इस विवेकानंद फ्लाईओवर के इस हिस्से को तोड़कर हटाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक KMD और प्राइवेट कंपनी के तत्वावधान में इस विवेकानंद फ्लाईओवर तोड़ने के लिए मशीनों को लाया गया है। अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, तैयारियां जोरों पर है। अधिकारियों की माने तो मंगलवार की सुबह से ही विवेकानंद फ्लाईओवर के इस हिस्से को तोड़ने का काम चालू हो जाएगा। इससे आसपास के रहने वालों को काफ़ी सहूलियत होगी। खासतौर पर जब से फ्लाईओवर गिरा उसके बाद से इसके इर्द गिर्द स्थित मकान में रहने वाले लोगों को काफ़ी भय बना हुआ कि कब उनके मकान पर आके ना गिरे। कैमरा पर्सन दीपेंद्र के साथ मैं दीपक सन्मार्ग कोलकाता।